हजरत अबू अयूब अंसारी की योम विलादत पर अलंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सजाई गई महफिल। जी हां, आपको बता दें कि बरेली के नवाबगंज स्थित नई बस्ती पश्चिमी में 18 रजब के मौके पर हजरत अबू अयूब अंसारी की योम विलादत का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मुफ्ती इरशाद कादिर ने कुरान पाक की तिलावत से की। उसके बाद मदीना मस्जिद के पेशे इमाम मौलाना नजीर अहमद रिजवी ने हजरत अबू अयूब अंसारी की जिंदगी पर रोशनी डाली। तो वहीं प्रोग्राम में हाफिज मुजीब और हाफिज अशरफ ने नातो सलाम का नजराना पेश किया। प्रोग्राम में अलंसार के कौमी सदर ताजुद्दीन अंसारी ने हजरत अबू अयूब अंसारी की सीरत बयान करते हुए अंसार का हसबो नसब सुनाया और लोगों से मुत्तहिद रहने की अपील की। प्रोग्राम में नातो सलाम के बाद सभी लोगों को तबर्रुक तकसीम किया गया। कार्यक्रम का संचालन सराफत हुसैन अंसारी ने किया। तो वहीं इस मौके पर अलंसार के उपाध्यक्ष रिफाकत अली अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद अहमद सिद्दीकी अहमद अंसारी, मोहम्मद जाहिद मोहम्मद आजाद कुतुबुद्दीन अंसारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अल्लाह के रसूल को आगे मेरे अभी हिजरत कर जाओ, अब मदीने चले जाओ। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा इरादा कर लिया। इधर तमाम लोग थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनी में धुले हुए थे। आपके घर के बाहर तमाम दुश्मनों ने वहां पर इकट्ठे होने के बाद और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए कोशिश की थी, इसलिए हम कबीले से आदमी लिया था ताकि कोई दुश्मन ना हो जाए। वहां पर खड़े हुए थे, अल्लाह की तरफ से हुकुमा कि आए मेरे अभी निकल जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, हजरत मौलाए कायनात अपने बिस्तर पर निकाल दिया, हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के साथ और मदीने की तरफ निकल गए। दुश्मनों ने पीछा नहीं किया, शैतान आया, कहने लगा क्या मामला, कैसे खड़े हुए हो? कहा कि खड़े हुए हैं, कोई अंदर लेटे हुए दुश्मनी में पड़े हुए हैं, उनको खत्म करना आया, पानी इस्लाम का कला कुआ कर देंगे। कहने लगा तुमने बब्बू को चले गए, चले गए कहाँ, चले गए कैसे चले गए? कहा जरा अपने ऊपर तो देखो खाक रखी हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खाक मानी, अल्लाह ने साहब फरमाया हुआ वहीं के मेरे का भला अल्हम्दुलिल्लाह रहमा है रसूल, जो आपने खाक देखी थी कंदरिया देखी तो दोबारा आप ही मेरा आपको लिहाजा जब देखा तो मेरे आका निकल गए। मौला के जब आप निकले हिजरत के लिए, जब आप गए और जब मदीना पहुंचे तो वहाँ का वाला गया खबर को मिल चुकी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ तक के बूढ़े जवान तमाम लोग खुशी बखुशी मसरत और शादमानी से खुशी बखुशी इधर से उधर है। कोई कह रहा है झगड़े होने लगे, कोई कहता है कि सरकार हमारे ही आएंगे, कोई कहता है सरकार को मेहमान मैं बनाऊंगा, कोई कहने लगा कि सरकार मैं मेहमान बनूंगा, सरकार मेहमान बनेंगे, मेरे घर पर तशरीफ लाएंगे। बच्चे घर से बाहर निकल गए, घर बच्चे बाहर आने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। अब जैसे बच्चों ने देखा, बच्चे थी छोटी छोटी, उन्होंने जैसे फौरन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन खुशी बखुशी दब पास में थे और बजाना शुरू कर दिया। क्या बजा रही थी कि तलाल बदरू अलैना, तलाल बदरू मेजबान बन गए।
कितनी खुश नसीबी है। हाफिज़े कुरान, कुरान का हाफिज इस्लाम में सबसे पहले होने का सब हजरत अली बिन काब अंसारी, हजरत माज बिन जबल अंसारी, हजरत जैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का हासिल हुआ इस्लाम में सबसे पहले। सबसे बड़े कारी इस्लाम होने का सब हजरत अली बिन काब अंसारी, जिस सहारता होने का सर, यानी कि हमारी आपकी गवाही लेती तो मानी जाएगी, लेकिन हमारे सहाबी ऐसे जिनकी गवाही दो के बराबर मानी गई, जो सहाबा का खिताब हमारे आकर फरमाया, जो सहाबा होने का सर हजरत हुज़ैफ़ा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का हासिल है। ग़ज़लुल मलाइका का सर हजरत हंजला बिन अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु हासिल है। ये वो चीजें हैं जो इस्लाम में सबसे पहले हुई। आरसल की तलवार का हक अदा करने का सर, क्योंकि तलवार के लिए जब आपने कहा कौन है तलवार का हक अदा करने को, हजरत मैं मौला जी भी आए और भी बड़े बड़े साहब सभी आए, लेकिन तलवार आपने दी, तलवार का हक अदा करने का सब हजरत दुजाना अंसारी आपकी तलवार सरसम की कब्र मुबारक तैयार करने का सब हजरत तन्हा अंसारी हासिल हुआ। के गुस्ल शरीफ में शामिल होने और लहर में उतरने का सर हजरत औस बिन खौलद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हासिल।